आंख मूंद के डिंब दिखावा। आ दस दिता महाराज कहना आंख नू मूंद बंद करके पखंड दिखाउंदा ना अखां बीज के पैंदा है। अंदर की पदवी कहे पावा। ये खालसा जी चेते रखण वाली गल है। महाराज कहंदे कि आउण वाले समय विच दूजे जन्म च अन्ना होके जम्मेगा। कई अखां बीच लेंदे अपने विच पछाण हो सकदा। कई सिख ऐसे आ जांदे बेचारे, उन्होंने भी चेते कर लेना पिछले जन्म विच कि संगत च अखां बीच के बैठे होणगे। ते कई नेत्र बंद रखदे सिर हिलाई जांदे, बड़ा झूमदे है। विवेखन वाले नूं प्रतीत होवे बहुत समाधि चंगी लगी है। खालसा जी संगत विच अखां बीच के बैठना, गुरु के दर्शन तो वांझा रहना। तू इत्थे भी वांझा रहा ते दूजे जन्म विच अन्ना होके जम्मेगा। यह फल मिलेगा अखां बीचण दा, यह भी सजा मिलती है संगत विच आख अखां बीच के बंद करन वाले नूं। आख बीच मग सूझ ना जाही। महाराज कहंदे प्रताखी वेख लवो, जे आख बीच के तुरिए ते रास्ता ही नहीं दिसदा गा प्रताख भी। भाई अनंत मिलै क्यों पाई। जे ओना ही हो गए परमेश्वर किवें मिल पवेगा। जे विराग ते विवेक रूपी सुरती ते सिमरती रूप मेरा एक साथ के जे नेत्री नहीं है ते फिर वाहेगुरु दा रास्ता किवें दिस पवेगा।